पूर्व महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानगर द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर मुक्तिधाम परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर दोनों ही महापुरुषों की जीवनी पर आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला और कोसानगर के द्वारा भी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गयी। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर दोनों ही महापुरुषों की जीवनी पर आधारित एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में दोनों ही महापुरुषों के तैलचित्र पर उपस्थित अतिथियों ने धूप दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात एक एक करके अतिथियों ने दोनों ही महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ अद्भुत बातें बताई, जिसमें विशेष तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने के अंश को अपने शब्दों के जरिए गोष्ठी में उपस्थित लोगों को बताई गई। गोष्ठी में शामिल होने वाले भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने दोनों महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला। हमारे देश के दो महान हस्ती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हरित क्रांति के जनक लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। हम लोग पूरे धूमधाम से समस्त ब्लॉक में दोनों महान विभूतियों का जन्मदिन मना रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया है, जो कि कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से चलेगी। हम लोग भी प्रत्येक बूथ पे बूथ स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का संपूर्ण प्रदेश में बूथ स्तरीय यात्रा का आज से प्रारंभ करेंगे और यह निरंतर प्रत्येक बूथ में जा कर किया जाएगा। आज का जो दिन है दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया और उस आंदोलन से हिंदुस्तान के गांव-गांव में एक प्रेरणा पैदा हुई, जागृति पैदा हुई और उसी जागृति के बदौलत हमारा देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन के साथ साथ आज आप जो देख रहे हैं भिलाई इस्पात संयंत्र भी जो है ना, वही एक आज़ादी का वो भी एक श्रृंखला में जुड़ता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का आज़ाद होने के बाद में जो कल्पना थी किनकी, पंडित जवाहरलाल अपना गांधी जी की, उस कल्पना को पूरा साकार जो है ना गांधी जी ने नेहरू जी ने किया। और आज आपने देखा सन 1965 स्थिति हमारे देश की ये थी कि हम लोग जिलो खाया करते थे, जिसको लाल गेहूँ जिलो कहा करते थे। अमेरिका उसको समुद्र में फेंका करता था, उसको हिंदुस्तान के अनाज की कमी होने के कारण हिंदुस्तान के लोगों को खाना पड़ता था। इस बात की पीड़ा शास्त्री जी को थी और शास्त्री जी ने उस वक्त एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। वो नारा केवल जवानों को ही नहीं लगा, देश के जो किसान थे उनमें एक जागृति आई, प्रेरणा आई। और आज आप देख रहे हैं आज 130 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हमारे देश में अनाज की आज ये स्थिति है कि अगर 3 साल भी अकाल पड़ जाए तो भी हमारे देश के अंदर अनाज की कमी नहीं होगी। और आप देख रहे हो कि आज देश के प्रधानमंत्री ने भी जो घोषणा की है वो घोषणा इस आधार पर की है क्योंकि देश में इतना पर्याप्त अनाज है और इसलिए उन्होंने जो 3 महीने का और अनाज देने की जो घोषणा की है, ये देन जो है ना शास्त्री जी की देन थी। तो आज शास्त्री जी और गांधी जी दोनों की जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम भी चलने की कोशिश करेंगे। इसी उसमें हमारे राहुल गांधी जी जो पदयात्रा जो कर रहे हैं वो गांधी जी की प्रेरणा के आधार पर वो पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि थोड़ा बहुत जो देश को जनता को उस संदेश दिया जा सके वैसी कदम हम भी उठाने का संकल्प लें। 2 अक्टूबर को आयोजित इस संगोष्ठी के माध्यम से राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा
प्रारंभ किए गए भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी भी दी गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।